नमस्कार दोस्तों, मैं गोपाल, आप देख रहे हैं रोड तक ब्लॉग। दोस्तों मेरा न्यूज चैनल में जो न्यूज चैनल है आप लोग जानते ही होंगे, रोड तक न्यूज, उसमें मैं दिखा दिया हूँ और बता भी दिया हूँ। वो गाड़ी जो अगली बार दिखाए थे एक्सीडेंट हुआ था वो अभी तक यहीं पे खड़ी है, क्योंकि मैं रांची जा रहा था इसी रोड से, तो मैं सोचा इसको दिखा दूँ क्योंकि इंश्योरेंस पास होगा तो पास हो जाएगा। दोस्तों रात हो चुकी है और रात को मैं वीडियो बना रहा हूं आपके लिए सिर्फ, तो आप लोग सपोर्ट कीजिए और अपना राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा कि ये एक्सीडेंट को देख के आपको क्या समझ में आ रहा है। जैसे मेरे समझ में तो आ रहा है दोस्तों कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लापरवाही नहीं होना चाहिए, और जो भी इसमें ड्राइवर भाई होंगे अच्छा होंगे, क्योंकि भगवान से यही दुआ करेंगे। लेकिन सुरक्षित गाड़ी अगर चलाते तो शायद ये ना होता, और एक आदमी के सुरक्षित चलाने से नहीं होगा दोस्तों, सभी ड्राइवर को सुरक्षित चलाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा कई बार हुआ है। रोड बहुत चल रहा है, साउंड अच्छा नहीं आएगा, माफ़ी चाहूँगा। ऐसा कई बार हुआ है दोस्तों कि खड़ा गाड़ी में भी कोई ठोक देता है तो आकर के, तो उसमें उसका क्या गलती है। इसलिए एक ड्राइवर के सुरक्षित रहने से नहीं होगा, सबको सुरक्षित गाड़ी चलाना पड़ेगा ताकि ऐसे हादसा का शिकार ना हो कोई भी ड्राइवर और कोई भी परेशानी में ना पड़े, क्योंकि एक्सीडेंट बहुत दिन का है और मैं देख रहा हूँ तो यहीं पे गाड़ी बहुत दिन से खड़ी है और इसका कोई भी माई बाप नहीं है। जो एक आदमी से पूछूंगा और मैं देखता हूँ बताते हैं कि नहीं ते हैं यहाँ पे। हालांकि गाड़ी मैं देखा था दोस्तों, एक उड़ीसा से रांची रोड है, झारखंड रोड, बहुत दिन पहले देखा था यहाँ पे, लेकिन अभी भी यहीं पर है। ठीक है, इसका क्या मैटर है वही लोग समझे, लेकिन आप देख करके आपको क्या लगा इस वीडियो में कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक, एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि देख सकते हैं इधर मैं गाड़ी खड़ा करके वीडियो बना रहा हूँ, उधर बहुत ही पहाड़ी रोड है और पहाड़ भी है। तो दोस्तों यही था वीडियो, आप क्या कमेंट में अपना राय ज़रूर दीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।